लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी, आप देख रहे हैं नवप्रभा लाइव। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसको चाइनीज वायरस के नाम से भी जाना जाता है, जो महामारी पूरे विश्व में फैली है, जिसको लोग कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। वो आपको पता होगा कि वो चाइना से प्रेषित किया गया महामारी वाला वायरस है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 नाम दिया था। दोस्तों, इस महामारी से लाखों लोग ग्रसित हो चुके हैं और हजारों लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पूरा विश्व लॉकडाउन झेल रहा है और जगह जगह लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारी के पल पल के अपडेट्स देने के लिए मीडिया वाले दिन रात लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारे भगवान माने जाने वाले डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग और सुरक्षा कर्मी, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या सशस्त्र बलों के जवान, इन सब की भूमिका बेहद साहस और धैर्यपूर्ण है। दोस्तों, हाल ही में कोरोना फाइटर्स के प्रति हमारे ही देश के कुछ जाहिल लोगों के द्वारा बेहद अभद्रतापूर्ण व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ जाहिलों ने तो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर कोरोना से जारी इस जंग में व्यवधान भी पैदा करने की कोशिश की। पूरा देश इस पर शर्मसार हुआ। सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कार्रवाई भी की, लेकिन क्या हमने कुछ किया? नहीं। एक सच्चा देशवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इनके नापाक मंसूबों को सफल न होने दें। हमें जो वीडियोस मिलते हैं, ऐसे वीडियोस जो देश और समाज की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको आगे न बढ़ाएं, फॉरवर्ड न करें। कोरोना से हम ये जंग जीत जाएंगे। हमारा और आपका एक सकारात्मक प्रयास लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बचा सकता है।